हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th और क्लास 12th का जो यूके बोर्ड का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको डाउनलोड करना सीखेंगे। ठीक है, तो यूके बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको गूगल पे आना है। ठीक है, गूगल को आपको सबसे पहले ओपन करना है। ठीक है, तो गूगल को आपने ओपन कर लिया है, तो गूगल को ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में क्या लिखना है, UBSC UBSC.gov.in। ठीक है, इतना आपको लिख करके एंटर प्रेस कर लेना है। अब देखिए, जो सबसे टॉप में वेबसाइट आएगी वो क्या आएगी, होम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन उत्तराखंड गवर्नमेंट। ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड की जो वेबसाइट है वो आ जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले वाली जो वेबसाइट है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए, उत्तराखंड बोर्ड की जो वेबसाइट का इंटरफेस है वो आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से इसका इंटरफेस रहता है। अब देखिए, साइड में कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ऊपर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 वाला जो ऑप्शन है जिस पे लिखा है ओल्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, इस पर आपको जाना है। तो अब देखिए, इस पर जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, ओल्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024 क्लास 10th और सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024 क्लास 12th। ठीक है, दोनों सेक्शन के पेपर अपलोड किए गए हैं। जिस भी सब्जेक्ट का पेपर आपको डाउनलोड करना है, यहाँ पर कई पेपर पड़े हुए 2023 2019 2019 17 16 सबके। ठीक है, तो यहाँ से आप इन सभी पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज मुझे यहाँ पर 2024 का मैथ के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, सैम्पल पेपर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, देखिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024 क्लास 10th, यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स लिखा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और देन इसको ओपन करना है। ठीक है, तो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इसको। ये देखिए, 10th क्लास का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है यूके बोर्ड का, वो ऐसे आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, सभी पेपर आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रोसेस बिल्कुल यही रहेगा। ठीक है, अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो देखिए, यहाँ पर ऊपर देखिए, ऊपर यहाँ साइड में डाउनलोड का आइकन आ रहा है, यहाँ पर आपको जा करके सिंपली इसको यहाँ से सेव कर लेना है। और देखिए, यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, ऐसे इसको आपको डाउनलोड करना है।